हेलो गाइस, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। आज 26 नवंबर 2019 को आज की जो सोनी लिव ऐप में कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि केबीसी का जो प्ले अलॉन्ग गेम है उसमें डेली क्विज जो है उसको हम खेलने जा रहे हैं। और ये आपको बता दूँ कि ये लास्ट वीक आखिरी हफ्ता शुरू है और ये आखिरी हफ्ते का एक पहला एपिसोड जो है वो कल आ चुका है। और यही प्ले अलॉन्ग गेम जो रात को 9 बजे से लेकर लाइव गेम जब चलता है टीवी पर उसके साथ जो खेलते हैं, तो उन प्रतिभागियों में से मतलब केबीसी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से जो सिलेक्टेड 10 कंटेस्टेंट है वो अभी हॉट सीट पर आ रहे हैं। हॉट सीट के लिए उनका चयन हो चुका है, जैसा कि आपने कल देखा भी होगा। और पहले जो प्रतिस्पर्धी है वो ऑलरेडी कल आ चुके थे और दूसरे प्रतिस्पर्धी जो है वो अभी हॉट सीट पर है। तो पहला सवाल आ चुका है डेली क्विज का, एक महिला के लिए इनमें से कौन सा रिश्ता एक सिर्फ एक विवाहित महिला का हो सकता है। जेठा नहीं है, क्योंकि चाची मामी भाभी ये जो है ये जो युवतियाँ हैं उनके भी हो सकते हैं, पर जेठानी जो है वो शादी के बाद ही अपने पति के बड़े भाई की जो वाइफ है ये मतलब बीवी है उनको बोला जाता है, मतलब जेठ की बीवी को जेठानी कहते हैं, तो ये शादी के बाद ही हो सकता है। अगला सवाल है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। देशभक्ति गीत के रचयिता कौन है, कवि प्रदीप गोपाल दास, नीरज, पंडित वंशीधर। हाँ, पंडित वंशीधर शुक्ला इसका सही जवाब है, पंडित वंशीधर शुक्ला बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, दो सवालों के 200 अंक हमको मिल चुके हैं। और दोस्तों, केबीसी प्ले अलॉन्ग का आखिरी हफ्ता चालू है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप अगर आप हमारी अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बेल आइकॉन जो है वो नोटिफिकेशंस के लिए उसको इस चैनल को दबा दीजिएगा। तो कभी प्रदीप द्वारा रचित देशभक्ति गीत दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कैसे किया कमाल, कर दिया कमाल। तो ये साबरमती के संत का सही उत्तर आपका, क्या बात है। इसी तर्ज पर मैंने भी एक गीत लिखा था जब अन्ना आंदोलन कर रहा था जनलोकपाल बिल के लिए तब। अब 14 सवाल आ चुका है, 1855 में चार मुर्मू बंधु सिंधु कानू चांदोर भैरव ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति और जमींदारी प्रथा के खिलाफ इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कुका। इसका सही जवाब है संताल विद्रोह, बिल्कुल सही उत्तर आपका, इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और साथों साथ ये जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अभी 5वां सवाल आ चुका है, मालवा के पठार अरावली और विंध्य पर्वत चुरुंकलाओं के संगम पर स्थित राजस्थान के एक वन्यजीव अभयारण्य का नाम किन के नाम पर है। धरती माता सीता माता इसका सही जवाब होना चाहिए, धरती माता सीता माता और करणी माता आप सुनते, सीता माता इसका सही जवाब है। आधा जो पढ़ा हुआ हमारा कंप्लीट हो चुका है, 500 वालों को 500 अंक भी हमको मिले हैं। 6वां सवाल आ चुका है दोस्तों, 500 अंक हमको दिख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ स्थित किस शहर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि वहां हर वर्ष आयोजित होने वाले एक आयोजन को 5वां कुंभ कहते हैं। राजिम, कोबरा, कोरिया और सरगुजा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है हमारे महाराष्ट्र के मैं जहाँ खास करके रह रहा हूँ उसको लग गई है, तो इसका सही जवाब हमको पता है, राजिम इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो 6 सवालों के 600 अंक हमको मिल चुके हैं। कंटिन्यूसली खेला है उनके उनमें से बहुत सारे लोगों को अभी इनाम वगैरह मिलना भी शुरू होगा। आपको ऑफिशियली अगर आईडी से मेल आता है या कॉल आता है अगर, तो उसको रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, तो आपको इनाम मिलेगा। अब 7वां सवाल है, इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों द्वारा गेंद, रिबन, रस्सी और क्लब का इस्तेमाल किया जाता है। रिदमिक जिमनास्टिक, हाँ रिदमिक जिमनास्टिक सही होगा, पोलो, रग्बी सेवेंस और बीच वाली बिल्कुल सही उत्तर आपका। रिदमिक जिमनास्टिक सही जवाब है, क्योंकि उसमें गेंद और रस्सी दोनों का यूज होता है, उनको मालूम है। 8वां सवाल है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की इनमें से किस प्रतिस्पर्धा के फाइनल मैच के दोनों प्रतियोगी भारतीय थे। पुरुष एकल बैडमिंटन, महिला एकल बैडमिंटन, पुरुष एकल टेबल टेनिस और महिला एकल टेबल टेनिस। महिला एकल बैडमिंटन होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं श्योर नहीं हूँ, हालांकि और मैं लाइफलाइन भी नहीं ले रहा सिक्योर आंसर की, पर मेरे ख्याल से शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये साइना नेहवाल और पीवी सिंधु होनी चाहिए जहाँ तक, पर मैं श्योर नहीं हूँ। और अगला सवाल ये 9वां सवाल है, सेकेंड लास्ट है, 2019 में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिम को हरा कर किसने 11वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया। यहाँ फ्रेंच ओपन लिखा है, तो इसका जवाब अनडाउटेडली राफेल नडाल इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन के बिल्कुल चैंपियन है। और आखिरी सवाल आ चुका है दोस्तों,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये बहुत इजी सवाल दिख रहा है दिखने में, तो सुमुख, विघ्नहर्ता और एकदंत किस हिंदू भगवान के नाम है? तो ये तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, शिव जी नहीं है, शिव जी के लड़के है ये गणेश जी, डी ऑप्शन। कृष्ण राम भी तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, गणेश जी का सही जवाब है। देख सकते हैं दोस्तों आज के हमारे दसों के दसों सवालों के जवाब जो है वह सही लॉक किए गए हैं, और डेली क्विज में हमने आज पूरे 1000 अंक कमाए हैं। अगर हमारी जो रैंकिंग बीच में जो डाउन हो गई थी 21 अक्टूबर 2019 को, वो अगर नहीं होती तो शायद अभी हम बहुत ही अच्छी ग्रो रैंकिंग करते, क्योंकि 21वीं जो रैंक है 21 अक्टूबर को हमारी रैंक 1400 से भी अंदर थी, मतलब 1300 कुछ रैंकिंग थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी एक महीने के भी हमारे मैक्सिमम सवाल सही है, और ऊपर से हमने कुछ वो रैंकिंग डाउन होने की वजह से जो हमने गेम भी मतलब उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं खेला कुछ भी बोला जाए, तो और थोड़ा अच्छा भी खेलते तो उसमें हिसाब से और भी बढ़ते, तो बहुत अच्छी रैंकिंग रहती अभी। तो वो खैर अब जो भी था वो हो गया। और दोस्तों एक मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 2020 के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि 2020 के प्रिपरेशन के लिए ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर बिल्कुल ना करें, काफ़ी कुछ हमारे फेवरेबल भी है, पर मैं उनको भी ज़रूर मैं पर्सनली बताऊँगा कि नहीं ये गलत है करके। तो क्योंकि 2020 का जो ऑडिशन है वो तो जब होगा तभी ये उसके बारे में कोई बता पाएगा, तब तक ये यूट्यूबर और ये जो भी है मैं नहीं हो सकता ऐसा कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।